हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा एडमिट कार्ड आए हैं उन एडमिट कार्ड के बारे में जानेंगे और किन लोगों का किस समय एग्ज़ाम है और किस सेक्टर में है और कहां पर है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की जो लिंक है आपको हम दे देंगे, जिससे आप डायरेक्ट ही उस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति निकली है वो हमारी इस प्रकार से है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या यानी इस तारीख को या जो भी संख्या है। ठीक है, इसमें क्या लिखा, इत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 02/2021 के तहत विज्ञप्ति पद 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर JNM अपॉन BSc नर्सिंग अंडर NHM के अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो हमारा एग्जाम है वो किस प्रकार होगा, ऑनलाइन होगा। दिनांक 27/2/2021 को पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इस हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 20/2 से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के वेबसाइट statehealthsocietybihar.org से डाउनलोड एवं प्रिंट कर व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके बाद प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों के सेल्फ डिक्लेरेशन एवं सेल्फ डिक्लेरेशन 2 का प्रपत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को भरकर परीक्षा केंद्रों पर जमा करना होगा। उक्त दोनों प्रपत्रों को जमा करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक, तो अच्छा, इसके बाद आते हैं अपनी बात पर, जैसे कि हमारा एग्जाम कब है। ठीक है, तो 27/2 से स्टार्ट होने हैं, तो आपका किस पाली में होगा, किस शिफ्ट में होगा और साथ ही किस समय होगा और कौन सी तारीख में होगा, और ये आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यदि हम अपने अगली लिंक पर जो हमारे एडमिट कार्ड की है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर आपको आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसमें होगी। यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल लेना है और इसके बाद IM Note ROBOT पर क्लिक कर देना है। IM Note पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रैफिक लाइट कहाँ कहाँ पर है। तो ट्रैफिक लाइट यहाँ पर है और यहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। चलिए, अगर इस पर अभी यहाँ क्रॉस, जैसे यहाँ पर क्रॉस ब्लॉक यानी क्रॉसिंग कहाँ है, इस पर भी है, इस पर भी है, उस पर, इस पर। ठीक है, और यहाँ पर भी है। सब होने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करेंगे निकल क्या हो जाएगा, IM Note ROBOT। दोस्तों, इस प्रकार से अगर नहीं भी आ रहा तो आप ट्राई करते रहिएगा, उसमें लिखा हुआ जो भी है क्रॉस है या कोई भी जगह है। इसके बाद राइट क्वेश्चन आने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा ओपन हो जाएगा। उसके ठीक नीचे ही एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा जिसे आपको भरकर सेंड कर देना है। दोस्तों, इसके लिंक को हम आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ही इस पेज पर पहुंच जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम इसके जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें और उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्तों।